हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था सिस्टम ऑफ फोर्स के लास्ट टॉपिक लामीज थ्योरम और एक हमारा था फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम और लामीज थ्योरम की बात की थी, आज हम बात करने वाले फ्रिक्शन के बारे में। तो चलिए बिना देरी के हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन हमारा क्या है, सबसे पहले ये जानना है कि फ्रिक्शन हमारा क्या है। हमने आज तक अभी तक पढ़ा है कि बॉडी अगर कोई मोशन में होती है तो रुकती जब है बॉडी, तो उसे रोकने के लिए मोशन के अपोजिट जो हमारा फोर्स लगता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो क्या यही फ्रिक्शन है? देखिए, जरूरी है क्या कि हमारी बॉडी मोशन में है तभी वो फ्रिक्शन में होगी? तो फ्रिक्शन में जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये हमारी कोई एक ब्लॉक हो गई, मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे हमने एक ब्लॉक रखा है, ये हमारा कोई ब्लॉक है। इस ब्लॉक को हमने किसी सरफेस पे रखा है, एक रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस की हम बात नहीं करेंगे, इसका भी रीजन देंगे कि स्मूथ सरफेस क्यों नहीं बात करेंगे। तो ये हमारा कोई एक रफ सरफेस है, तो हम बात करते हैं कि अगर ये बॉडी हमारी मोशन में है, बॉडी हमारी मोशन में है, तो बॉडी मोशन में है तो उसे रोकने के लिए, देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाया, बॉडी हमारी मोशन करने लगी, मीन्स कि बॉडी हमारी गति कर रही है, तो कभी ना कभी वो रुकेगी। जैसे कि हमने क्या है कि एक बुक है या फिर कोई बॉल ही ले लेते हैं, तो बॉल को हम अगर किसी फर्श पे थ्रो करते हैं, किसी फर्श पे मतलब लुढ़काते हैं, तो वो बॉल क्या करती है कि रोलिंग मोशन करते करते कभी ना कभी तो बॉल रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या है, वो रुकती कैसे है? तो देखिए, इसका मेन रीजन है कि बॉल जब हमारी रुक जाती है तो उसमें हमारा कोई एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? वो फोर्स की हम बात जब करते हैं तो वो फोर्स हमारा होता है फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स ये है कि बॉडी जब हमारी मोशन में गति मोशन कर रही होती है तो उसे रोकने के लिए जो हमारा फोर्स लगता है वही फोर्स ही हमारा, उस फोर्स की ही बात करते हैं तो वही फोर्स हमारा फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ओके, तो कैसे? देखिए, मान लीजिए ये हमारा कोई एक टेबल है, इस टेबल पे हमने कोई बुक रखी है, ये हमारा कोई एक टेबल है, इस टेबल पे क्या किया हमने, एक बुक रख दिया। मान लीजिए कि ये हमारी कोई एक बुक है, ओके, तो हमने क्या किया कि इस बुक पे कोई एक फोर्स लगाया, पी फोर्स मान लीजिए हमने लगाया। तो फोर्स जैसे ही हमने इस बुक पे लगाया, बुक हमारी मोशन में आ जाएगी। बुक हमारी क्या है कि अभी यहाँ पे है तो थोड़ा स्लाइड करके बुक हमारी थोड़ी आगे चली जाएगी, तो आगे जाएगी, बट वो हमेशा के लिए नहीं होगा ना, वो मोशन ऑलवेज उसमें नहीं रहेगा ना, मीन्स मोशन कभी ना कभी तो उसमें रुक जाएगा ना। तो रोकने में जो हमारे फोर्स लग रहे हैं, मीन्स कि बॉडी मोशन में थी, और मोशन से क्या कि बॉडी रेस्ट में आई, तो मोशन से रेस्ट में आने के लिए कोई फोर्स हमारा लगा होगा तभी तो रुका होगा। मान लीजिए कि फोर्स हमने पी से इस मोशन के लिए, ये पी फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो कोई ऐसा फोर्स लगा होगा जो इसके अपोजिट लगा होगा तभी तो इसके मोशन को रोका होगा, बुक की मोशन को रोका होगा। तो वही फोर्स जो हम लगाते हैं उसे ही हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन। तो इसकी पहले हम स्टेटमेंट को लिख देते हैं कि क्या है। देखिए, फ्रिक्शन को क्या कहा? फ्रिक्शन को हमने कहा कि ये एक प्रकार का रेजिस्टिंग मोशन, रेजिस्टिंग फोर्स है। ओके, रेजिस्टिंग फोर्स है। रेजिस्टिंग फोर्स में अपोजिट डायरेक्शन में, जो अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है हमारा, अपोजिट टू द मोशन, मीन्स कि बॉडी हमारी, मान लीजिए कि ये हमारी कोई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने क्या किया कि इस सरफेस पे रख दिया है, इस सरफेस पे रख दिया है। तो इस सरफेस पे रखने के बाद ये हमारा स्मूथ सरफेस नहीं है, यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। ओके, ये बॉडी, ये ब्लॉक हमारा कोई पी फोर्स से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो कोई एक फ्रिक्शन फोर्स, कोई एक फोर्स जनरेट हो रहा है इसके अपोजिट। मान लीजिए वो कोई फोर्स हमारा एफ ये है, तो इसके अपोजिट कोई हमारा एक फोर्स जनरेट हो रहा है जिसे हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो यही हमारा फ्रिक्शन फोर्स है जो इस बॉडी के मोशन को रोक, रजिस्ट कर रहा है, मीन्स रोक रहा है, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। देखिए, अगर इसके स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट कहता है कि वेन ए बॉडी, अगर इसी को जो हमने ये ब्लॉक बनाया है इसी के बारे में अगर डिस्क्राइब करें तो बोल सकते हैं कि वेन ए बॉडी स्लाइड ओवर एनादर बॉडी मीन्स एनादर सरफेस, बॉडी मीन्स सरफेस। ओके, ए फोर्स
इज एग्जर्टेड, एग्जर्टेड मीन्स एक फोर्स जनरेट होता है एट द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट ये जो हमारा कॉन्टेक्ट यहाँ पे लग रहा है ना, ये कॉन्टेक्ट जो सरफेस है, ये हमारी कोई सरफेस है, तो इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच कोई कॉन्टेक्ट होगा जहाँ पे हमारी दोनों चीजें, दोनों ब्लॉक और सरफेस मिल रहे होंगे, तो इस कॉन्टेक्ट पे कोई एक फोर्स जनरेट हो रहा है। ओके, फोर्स जनरेटेड कॉन्टेक्टेड बाई द सरफेस ऑन मूविंग बॉडी। ओके, अब देखिए कह सकते हैं कि दिस रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड इट एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट। ये हमने बात किया था ना कि फोर्स जो हमारा लगेगा बट अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स ऑफ मोशन या और एक्टिंग फोर्स। ओके, देखिए एक बार फिर से हम स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं कि स्टेटमेंट हमारा कैसे क्या कह रहा है। When a body slides, when a body slides over another body, another body means surface. अगर कोई ये हमारा ये ब्लॉक किसी सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, means चल रहा है, मोशन में है, if force is exerted at surface, कोई एक सरफेस जो कॉन्टेक्ट है ब्लॉक और सरफेस के बीच, कोई हमारा एक फोर्स जनरेट होगा। ओके, फोर्स जनरेट होगा ऑन मूविंग बॉडी। ओके, यहाँ पे बॉडी होगी हमारा, तो दिस रेजिस्टिंग फोर्स जो सरफेस को, जो हमारा रेजिस्टिंग फोर्स की यहाँ पर हमने बात किया था ना कि कोई एक रेजिस्टिंग फोर्स होगा जो हमारे मोशन को रोकेगा, तो वही रेजिस्टिंग फोर्स ही हमारा क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए कभी कभी इसमें डाउट होता है हमारा कि फ्रिक्शन क्या अलग चीज है फ्रिक्शन ऑफ फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन क्या दोनों अलग चीजें हैं? नहीं, देखिए फ्रिक्शन फोर्स को ही हम फ्रिक्शन बोलते हैं, मीन्स कि अगर वो फोर्स के कारण जो हमारा रेजिस्टिंग आ रहा है ना, तो हम क्या हो जाता है कभी कभी लंबा बढ़ जाता है कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स बोलना, तो वहां पर हम डायरेक्ट बोल देते हैं फ्रिक्शन। ओके, इन सारी प्रोसेस को हम फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। ओके, तो देखिए और अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो मीन्स जो फोर्स हमारा लग रहा था उसके कारण जो मोशन हो रही थी, उस फोर्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ऑलवेज फ्रिक्शन लगता है। क्या इसका क्या मतलब है? देखिए इसका एक सिंपल मतलब ये है, देखिए हमने कहा कि फोर्स जो हमारा रेजिस्टिंग फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ऑलवेज मोशन के। क्या इसका क्या मतलब है? देखिए मान लीजिए कि ये कोई हमारी सरफेस है, इस सरफेस पर हमने कोई एक ब्लॉक रखा है, जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में दिखाया था, तो इस सरफेस पर हमने कोई ये ब्लॉक रखा है। ओके, ये हमारी कोई बॉडी है, ये बॉडी क्या है कि इस पर कोई पी फोर्स हमारा ये लग रहा है, तो P फोर्स जो लग रहा है तो मोशन हमारी किधर होगी? मोशन हमारा इस साइड में होगा, क्योंकि फोर्स हमारा P इस साइड में लग रहा है, तो मोशन भी हमारा इधर होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा लगेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा जनरेट होगा यहाँ पे इस सरफेस के बीच, सरफेस और इस बॉडी के बीच में जो कॉन्टेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स हमारा जनरेट होगा, वो ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में होगा मोशन के, मीन्स कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो जनरेट होगा एफ इधर लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि P हमारा जो होगा ये एफ के इक्वल होगा। ओके, बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में जो हमारे आने वाले उसमें हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कैसे आगे हम इस बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम बना के करते हैं, तो यहाँ पर हम केवल फ्रिक्शन की बात करते हैं। ओके, तो देखिए पी फोर्स जो हमारा लगा, मोशन इस साइड में हुआ, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ, तो इसी को हम फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं। ओके, अगर मान लीजिए यही बॉडी हमारी कोई इंक्लाइंड है, ओके ये बॉडी हमारी कोई एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है, ये हमारा कोई सरफेस है, सरफेस से कोई थीटा एंगल बना के मान लीजिए कि हमारी ये बॉडी कोई यहाँ पे रखी हुई है। ओके, ये बॉडी हमारी कोई है, अब देखिए ये बॉडी हमारी स्लाइड है, कोई फोर्स हमारा पी यहाँ पे लग रहा है, तो ये कोई पी फोर्स से हम इस बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो मोशन हमारा किधर है? मोशन हमारा ऊपर की तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स हमारा डाउनवर्ड में लगेगा। क्यों? क्योंकि मोशन के अपोजिट लगता है, ऑलवेज फ्रिक्शन रेजिस्टिंग ऑफ द फोर्स,
हमने बात किया है, पहली लाइन में ही हमने बात किया है कि फ्रिक्शन जो है हमारा एक रेजिस्टिंग फोर्स है। तो रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब है कि मोशन जहां पे हो रहा होगा जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट ही लगा के ना हम उस मोशन को रोकेंगे। रेजिस्टिंग का मतलब ही यही होता है कि हम किसी चीज को रोक रहे हैं। ओके, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स और ये हमारा पी है। अगर मान लीजिए यही बॉडी हमारी इंक्लाइन रखी है, इस बॉडी इंक्लाइन रखी है और डाउनवर्ड में आ रही है, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, बॉडी मूव करके नीचे की तरफ आ रही है, तब क्या इस कंडीशन में भी हमारा फ्रिक्शन फोर्स डाउन में ही लगेगा? क्या यहाँ पर ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? नहीं। क्यों? इस बार मोशन हमारा डाउनवर्ड में हो रहा है, मोशन हमारा डाउनवर्ड में हो रहा है, डाउनवर्ड। तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन के ऑलवेज अपोजिट, तो फ्रिक्शन इस बार हमारा कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रिक्शन का। अब देखिए एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये आती है कि क्या फ्रिक्शन हमेशा मोशन में जब बॉडी रहेगी तभी लगेगा? क्या फ्रिक्शन फोर्स तभी जनरेट होगा जब हमारी बॉडी मोशन में होगी? ऐसा संभव है क्या? रेस्ट में हमारी बॉडी रहेगी तो फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें एक टर्म कि क्या मोशन में बॉडी हमारी रहेगी तभी फ्रिक्शन जनरेट होगा? बॉडी अगर हमारी रेस्ट में है तो फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा? देखिए अगर इसकी बात करते हैं तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ फ्रिक्शन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम जानेंगे कि क्या बॉडी हमारी मोशन में रहेगी तो फ्रिक्शन जनरेट होगा या फिर बॉडी हमारी रेस्ट में होगी तब भी फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो यहाँ पर हम अब तक के लिए इतना बता के चलते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे, बट हम जानते हैं कि फ्रिक्शन हमारा कभी भी लग सकता है। बॉडी हमारी अगर रेस्ट पोजिशन में है, वो मूव मोशन में नहीं है, तब भी उस पर फ्रिक्शन लगेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन सा फ्रिक्शन, उसे कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं, और जब बॉडी हमारी मोशन में रहती है उस टाइम फ्रिक्शन लगता है तो उस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिक्शन में क्लासिफिकेशन के बारे में और मोशन और स्टैटिक दोनों के बारे में हम बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।